अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी अजीम बारगाह की ज़्यारत करवाएंगे जिसको देखकर आप भी यकीनन हैरत में पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये अल्लाह के वली की दरगाह मुबारक जंगल के बिल्कुल बीच में मौजूद है। और दोस्तों, ये दरगाह कलियर शरीफ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर शाह मंसूर रहमतुल्लाह अली की दरगाह के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, इस दरगाह मुबारक पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पर हजारों सालों से तेल निकलता रहता है, यानी दोस्तों एक ऐसी देग है जिसमें ना कोई तेल डालता है, फिर भी कुदरती तौर पर उस देग में से तेल निकलता रहता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे और पूरी डिटेल इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगी। आप लोगों से गुजारिश है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हम इसी तरह की और भी वीडियोस अपलोड करें तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, हिंदुस्तान की सरजमी पर इन अल्लाह के वलियों की आने की कोई ना कोई वजह ज़रूर मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह इन अल्लाह के वली की आने की भी एक वजह थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक राजा रहा करता था जिसका नाम था ज़ुल्करण। जी हाँ दोस्तों, इस इलाके में इस राजा की हुकूमत चला करती थी और दोस्तों जगह जगह पर इसके किले मौजूद थे। दोस्तों, कलियर शरीफ में भी इसका एक किला मौजूद था जिस जगह पर हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह अली की मज़ार मुबारक इस वक्त मौजूद है। और दोस्तों, दूसरा किला हज़रत शाह मंसूर रहमतुल्लाह अली की दरगाह मुबारक से लगभग 9 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में स्थित था। दोस्तों, इसका इतिहास ऐसा था कि इसकी एक बुरी आदत थी। जी हाँ दोस्तों, इस इलाके में जिस किसी की भी शादी हुआ करती थी उसकी दुल्हन को अपने साथ एक रात गुजारने के लिए मजबूर किया करता था। और दोस्तों, जैसे ही इन अल्लाह के वली को इस बारे में पता चला तो फौरन ही इन्होंने हिंदुस्तान की सरजमी पर आने का फैसला किया और यहाँ पर आकर लोगों की रहनुमाई फरमाई। जी हाँ दोस्तों, ये अल्लाह के वली अकेले नहीं आए थे बल्कि इनके साथ में इमाम साहब और 72 वलियों को भेजा गया था। जी हाँ दोस्तों, इमाम साहब भी इस जंग में शहीद हो गए थे जिनकी दरगाह मुबारक कलियर शरीफ में मौजूद है। और दोस्तों, ये अल्लाह के वली जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भी इस जंग में शहीद हो गए थे। दोस्तों, इनकी मज़ार मुबारक यहाँ पर मौजूद है। और दोस्तों, इस तरह हिंदुस्तान की आवाम को इस जुल्म से निजात दिलाई। जी हाँ दोस्तों, उस राजा का सिर आज भी इमाम साहब रहमतुल्ला अली की दरगाह मुबारक की जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर दफन है। जी हाँ दोस्तों, इस दरगाह का ये इतिहास था। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं इस दरगाह पर जो एक ऐसी करामाती जगह मौजूद है जहाँ पर हजारों सालों से तेल निकलता है, उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसी देग मौजूद है जिसमें हजारों सालों से तेल निकलता है। दोस्तों, लोग यहाँ पर बताते हैं कि इस देग में कोई भी तेल नहीं डालता, कुदरती तौर पर यहाँ पर ऑटोमेटिक तेल निकलता रहता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से इस देग में तेल मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, और लोग यहाँ पर बताते हैं कि अल्लाह के वली की बारगाह जंगल के बीच में मौजूद है तो यहाँ पर शेर भी आया करते थे।